गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. बेटा आज हम एक्सरसाइज 4D करेंगे. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए गार्डन देयर आर 164 रोज ऑफ प्लांट्स. इफ देयर आर 275 प्लांट्स इन ईच रो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन. इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन ए गार्डन, एक गार्डन में देयर आर 164 रोज ऑफ प्लांट. प्लांट्स की कितनी रो हैं बेटा? 164 रोज हैं, ठीक है. इफ देयर आर 275 प्लांट्स इन ईच रो, इसमें क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है कि वन रो के अंदर 275 प्लांट्स हैं, तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन. तो आपको बताना है कि गार्डन के अंदर टोटल कितने प्लांट्स हैं. तो बेटा हमें ये पता है कि टोटल रो कितनी है और हमें ये पता है कि वन रो के अंदर कितने प्लांट्स हैं, ठीक है. जब हमें ये पता है कि वन रो में कितने प्लांट हैं, तो हम 164 रोज के प्लांट निकाल सकते हैं, ठीक है. वन का जब हमें पता है बेटा और ज्यादा का हमें निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. तो देखो बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे. टोटल रोज कितनी है हमारे पास बेटा? 164 है, ठीक है. प्लांट्स इन वन रो, वन रो में कितने प्लांट दे रखे हैं बेटा हमें? 275. हमें करना क्या है? हमें ये बताना है कि गार्डन के अंदर टोटल कितने प्लांट्स हैं, ठीक है. तो प्लांट्स इन 164 रोज क्या हो जाएगा बेटा? 275 को 164 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई करोगे. बेटा इसमें फेयर नोटबुक में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए आप इनको मल्टीप्लाई रफ में करके देखोगे, उसके बाद इसका जो प्रोडक्ट आता है उसको लिखोगे आप, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ शूज इज रूपीज 979. एक शूज के पेयर की कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको बेटा? 979 रूपीज दे रखी है. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 173 सच पेयर ऑफ शूज? आपसे पूछा क्या गया है, इस तरह के 173 शूज के पेयर की कॉस्ट क्या होगी? बेटा इसमें भी हमें वन पेयर की कॉस्ट पता है, हमें 173 पेयर की कॉस्ट निकालनी है. जब हमें वन का पता है और ज्यादा का निकालना है बेटा, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे. कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ शूज कितना दे रखा है बेटा? 979 रुपीज दे रखा है. तो आपको कॉस्ट 173 पेयर्स की निकालनी है, तो आप क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ 173 पेयर ऑफ शूज. तो क्या करोगे बेटा? 979 को 173 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है. मल्टीप्लाई इसमें भी आप रफ में ही करके देखोगे, ठीक है. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बेटा, इन ए स्टेट देयर आर 23 नेशनल पार्क्स. एक स्टेट के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं बेटा? 23 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है. ईच नेशनल पार्क हैज 242 एनिमल्स. एक पार्क के अंदर आपको बता रखे हैं कि 242 एनिमल्स हैं, ठीक है. हाउ मेनी टोटल एनिमल्स आर देयर इन ऑल द नेशनल पार्क इन द पार्टिकुलर स्टेट? आपको क्या बताना है कि उस स्टेट में टोटल एनिमल्स कितने हैं इन सभी पार्क्स में, ठीक है. आपको पता है कि टोटल पार्क्स कितने हैं. उसके बाद आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में कि उसमें टोटल कितने एनिमल्स हैं. आपको यह भी पता है कि टोटल पार्क कितने हैं, आपको यह भी पता है कि एक पार्क में कितने एनिमल्स हैं, ठीक है. तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे. टोटल नेशनल पार्क कितने हैं बेटा? 23 हैं. एनिमल्स इन वन पार्क कितने दे रखे हैं बेटा? 242. तो एनिमल्स इन 23 पार्क कितने हो जाएंगे बेटा? 23 मल्टीप्लाई 242 मल्टीप्लाई आप रफ में करके देखेंगे, ठीक है. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ए फैक्ट्री मेक्स 260 टॉयज इन ए डे. एक फैक्ट्री में एक दिन में बेटा कितने टॉयज बनाए जाते हैं? 262 टॉयज बनाए जाते हैं. मेक्स का मतलब होता है बनाना. हाउ मैनी टॉयज कैन बी मेड इन ए ईयर, ठीक है. तो ये पूछा है कि एक साल के अंदर कितने टॉयज बनाएगी वो फैक्ट्री, ठीक है. तो इसके अंदर बेटा ऑर्डिनरी ईयर ही माना जाएगा इसको, क्योंकि वन ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर जो होता है ना बेटा उसके अंदर 366 डेज हैं. जब यहां पे आपको लीप ईयर नहीं दे रखा या ईयर मेंशन नहीं है, तो आप उस ईयर में 365 डेज ही मानेंगे, ठीक है. तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे आप.
टॉयज मेड इन वन डे, वन डे में कितने टॉयज बनाते हैं बेटा, 260 टॉयज बनाते हैं। तो टॉयज मेड इन वन ईयर, वन ईयर में बेटा हमें पता है कितने डेज होते हैं, 365। तो 260 को बेटा 365 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। आपसे ये पूछा गया है कि सितंबर मंथ में कितनी मिनट्स होंगी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सितंबर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं बेटा, ठीक है। तो सितंबर में नंबर ऑफ डेज बेटा 30 होते हैं, ठीक है। थर्ड क्लास में आप टाइम वाला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि कौन से मंथ में 31 डेज हैं, किस में 28, किस में 30। तो सितंबर में बेटा 30 डेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है कि कितनी मिनट्स होती हैं उसमें, ठीक है। हमें ये पता है वन डे में कितने आवर्स होते हैं बेटा, वन डे में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। यदि हमसे पूछा जाता कि सितंबर मंथ में कितने आवर्स होते हैं, तो आप क्या करते, 30 को 24 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन हमें क्या पूछा है कि सितंबर मंथ में कितनी मिनट्स हैं, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वन डे में कितनी मिनट्स होंगी, ठीक है। वन डे में आवर्स कितने होते हैं बेटा, 24 आवर्स होते हैं। तो वन आवर में कितनी मिनट होती है बेटा, वन आवर में 60 मिनट्स होती हैं। तो पहले हम ये निकालेंगे कि वन डे में कितनी मिनट्स होती हैं, ठीक है। तो वन डे में कितनी मिनट्स हो जाएंगी बेटा, आवर्स तो 24 होते हैं और वन आवर में कितनी मिनट्स होती हैं, 60। तो 24 को आप क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वन डे में कितनी मिनट्स हो गई बेटा, 1440 मिनट्स हो गई, ठीक है। जब 24 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1440 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें बताना क्या है कि सितंबर मंथ में कितनी मिनट्स होती हैं। अब हमें ये पता चल गया कि वन डे में 1440 मिनट्स होती हैं, तो हम 30 डेज में निकाल सकते हैं ना बेटा कि 30 डेज में कितनी मिनट्स होंगी। तो 1440 को हम क्या कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएंगी, 43,200 मिनट्स आ जाएंगी सितंबर मंथ में, ठीक है बेटा। इसमें एक बार थोड़ा चेंज करके करना है, पहले आपको वन डे में 24 आवर्स होते हैं, पहले आपको वन डे की मिनट्स निकालनी है। वन आवर में बेटा 60 मिनट होती है, तो वन डे में कितनी मिनट्स हो जाएंगी, 24 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। फिर आप 30 डेज की मिनट्स निकाल दोगे, 30 को आप 1440 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, An Arabic teacher teaches Arabics for 130 minutes each day. ठीक है, एक Arabic teacher है, वो one day में कितनी minutes पढ़ाता है बेटा, 130 minutes पढ़ाता है, ठीक है। How many minutes does the teacher teach Arabic in 325 days? तो इस question में पूछा है how many minutes, वो कितनी minutes पढ़ाएगा वो teacher 325 days में। हमें ये पता है कि one day में वो कितनी देर पढ़ाता है, 130 minutes। हमें निकालना क्या है कि वो 325 डेज में कितनी मिनट्स पढ़ा रहा है, तो इसमें भी बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखो, द टीचर टीचेज इन वन डे कितना है, 130 मिनट्स। तो द टीचर टीचेज इन 325 डेज क्या हो जाएगा, 130 को बेटा 325 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, 42,250 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद बेटा सेवंथ क्वेश्चन है, टू सिटीज आर 1,234 किलोमीटर अपार्ट। टू, दो सिटीज हैं बेटा, उनके बीच की दूरी कितनी है, 1,234 किलोमीटर है, ठीक है। ए बस मेक्स 132 ट्रिप्स बिटवीन दीज टू सिटीज। ये कह रहा है कि बस उसमें कितनी बार ट्रिप करती है, 132 टाइम्स करती है बेटा। तो हाउ मच डिस्टेंस डज द बस कवर इन ऑल। तो क्या है कि वो बस टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करती है 132 ट्रिप्स में। हमें ये पता है कि वन ट्रिप में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी बेटा, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1,234 है, ठीक है बेटा। तो हमें ये पता चल गया कि वन, क्योंकि उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को ही तो कवर करेगी एक बार में, तो वन टाइम में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 1,234 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो वो 132 ट्रिप्स में कितना करेगी, 1,234 को बेटा आप 132 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो इसको कैसे सोल्व करोगे,
डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज कितना है बेटा, 1234। टोटल ट्रिप्स कितनी है हमारे पास, 132। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द बस कितना हो जाएगा बेटा, 1234 को आप 132 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि वन ट्रिप में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना बेटा वही कवर होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा आप एट्थ क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ 239 पर्सन इज गोइंग टू सिंगापुर, इतने लोगों का जो एक ग्रुप है वो सिंगापुर जाता है, ईच पर्सन हैज टू पे 9876 एज एयर फेयर, फेयर का मतलब होता है बेटा किराया, ठीक है। तो एक वन पर्सन जो है वो कितना फेयर पे करता है, 9876। व्हाट विल बी द एयर फेयर फॉर द होल ग्रुप, तो पूरे ग्रुप का टोटल जो है ना फेयर कितना होगा, कितना किराया होगा, ठीक है। टोटल पर्सन दे रखे हैं आपको, 239 है, आपको ये बता रखा है कि वन पर्सन कितना पे करता है, 9876। हमें निकालना कितने का है, 239 पर्सन का निकालना है। जब हमें ये पता है कि वन पर्सन कितना पे कर रहा है तो ज्यादा का हम निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, टोटल पर्सन कितने हैं बेटा, 239, वन पर्सन पे कितना है, 9876। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी बेटा, 9876 को आप 239 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ और टेंथ क्वेश्चन है, ये बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर बाय द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर। आप ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर को लिखोगे और ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर लिखोगे, ठीक है, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर बाई द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। इसमें भी ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर क्या है बेटा, 9 को 5 टाइम्स लिखोगे, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या है, 10 है। क्या करना है आपको, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। इसमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 के साथ 0 लगी हुई है, तो जो नंबर आपके पास है उसके साथ 0 लग जाएगी, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाना है बेटा, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना है, ठीक है। थैंक यू।